भी कहे ये दिल पहल कर ले। प्लीज इसे अपना ही घर समझेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। ये रहेंगे कहाँ? ऑब्वियसली गेस्ट रूम में। गीतिका, हाँ ठीक है, तो बस आधे घंटे में मुझे मेल कर दीजिए। ओके बाय। तुम्हें पता है कि मैंने अपने कभी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाया। दोस्त तुम्हारे कब बने? हाँ वेरी फनी। अगर होते तो भी तुम उन्हें घर नहीं आने देते क्योंकि तुम्हें मेहमान नहीं पसंद। रिमेम्बर? गीतिका, पसंद तो मुझे ये शादी, कमिटमेंट, ये सब भी नहीं था, लेकिन मैंने की ना, और देख रही हो तुम कितना खुश हूं मैं। भाई कितना बदल गए हो ना तुम उस लड़की की वजह से। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है गीतिका? वो लड़की बीवी है मेरी, प्यार करता हूं मैं उससे, और बहुत जल्द बच्चा होने वाला है हमारा, और तुम भी जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके? एंड गीतिका, वो जो बाहर आए हैं ना, वो मामा है पूर्वी की फैमिली। हाँ गीतिका, फैमिली। आपके और श्रेष्ठ के बीच में जो रिश्ता है वही मामू और मॉम के बीच में रिश्ता है। मैंने बचपन से उनको ऐसे ही जीते हुए देखा। जो भी श्रेष्ठ ने आपके लिए किया है हमेशा मामू ने मॉम के लिए किया है। बहुत स्पेशल है रिश्ता, मैं समझ सकती हूँ। गीतिका, आप मुझे जितना भी परेशान करने की कोशिश करो, आप मुझसे कितनी भी दुश्मनी कर लो, बट ये फैक्ट तो नहीं बदल सकता ना कि आप और श्रेष्ठ भाई बहन हो। आई एम सॉरी, मुझे प्राइवेट मोमेंट नहीं बिगाड़ना चाहिए था, बट बाहर आपसे कोई मिलने आया। कौन? मैं नहीं जानती कौन आया। भाई मुझे नहीं पता। आई थिंक तुम्हें बाहर जाना चाहिए, कोई मिलने आया तुमसे तो। फाइन। गीतिका, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों? ये तो तुम गीतिका को अकेले ही फेस कर लेते। आप क्यों गीतिका, कैसा लगा सरप्राइज? +44 लंदन। कुछ याद आया? उस दिन मैं मौसी जी से बात कर रहा था, डैडी से नहीं। हाँ। Welcome. जिंदरे, God bless you, God bless you. अच्छा हुआ आप आ गई। So happy to see you. आना ही था, तूने बुलाया था। गीतिका, तू तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी है डिट्टो। सड़ू। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? वहीं से खड़े होके फीकी फीकी हंसी हंसती रहेगी या आके अपनी फेवरेट मासी के गले भी लगेगी। कम ऑन, गिव मी अ हग। पूर्वी, ये है मासी, हमारी माँ जैसी। और लंदन में अपना स्कूल चलाती है। और मासी जी, ये है पूर्वी। पूर्वी, इससे मिलने तो मैं आई हूं इतनी दूर से। तो हमारे श्रेष्ठ ने शादी करने की हिम्मत की है, कुछ तो बात होगी ना उस लड़की में। हमारे घर में लड़कियां पाँव नहीं छूती। तुम इस घर की बहू जरूर हो, लेकिन मेरे लिए तो बेटी है। और फिर इस हालत में नो बेंडिंग, झुकना तो बिल्कुल नहीं, समझी? आपको आपको पता है ये तुम्हारा पति है ना? मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे सब पता है। आई नो ऑल। मुझे लगा पूर्वी को आपकी बहुत जरूरत है। आफ्टर ऑल बेबी शेरगिल जो घर में आने वाला है। ये बात तो है, बेबी शेरगिल। जब तेरी माँ तुझे लाई थी ना, तब भी मैं ही थी तेरे पास। अरे गीतिका, अब तो आके मिलने मुझसे, कब तक दूर खड़ी रहेगी? जी है मैम। पाँव नहीं छुएगी? अभी आपने ही तो कहा कि लड़कियां पाँव नहीं छूती, और मैं इस घर की लड़की हूँ, राइट? हाँ हाँ, वो तो मैंने भी पता है, पर ऐसा नहीं लगता तुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अरे छू ना। या निधि, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। I mean, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम उन सबसे इतनी फ्रेंडली हो। And you have no idea कि ये टेस्टिमोनियल्स, ये छोटी छोटी वीडियोस अंबिका जी को प्रमोट करने के लिए कितनी मदद करेंगे। बस बस, अब तुम ये सारा क्रेडिट मुझे मत दो। ये सब हुआ है मम्मी जी की वजह से। आज तक जो इतना प्यार, इतना अपनापन उन्होंने लोगों को दिया है ना, बस वही वापस आ रहा है। वाकई अंबिका जी के लिए प्यार हर इंसान की बातों में झलकता है, और यही प्यार हम उन सब के जरिए सारी जनता तक पहुंचाएंगे। बट स्टिल निधि, आई नो उन सबको कैमरे पर बोलने के लिए मनाना इतना आसान नहीं था। एंड इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेती तो हमें काफी मदद मिल जाती। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे तो तुम पॉलिटिक्स से दूरी रखो। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और मेरी शादी। निधि, गणपतराव भोसले की ऐसी हालत में कितना मुश्किल होता होगा ना। I mean, सबसे ज़्यादा अंबिका जी को। I mean, खुद को संभालना, सारी दुनिया के सामने अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों को छुपाते हुए, मतलब ऐसे खड़े रहना जैसे सबसे मजबूत इंसान वही है। हाँ, पर क्या है कि उनकी सच्चाई ही उनकी ताकत बनी है। वो आज इतनी स्ट्रांग बनी है कि ये सब फेस कर सकें। वाकई में उनकी स्ट्रगल ने उन्हें और मजबूत बना दिया। मिसेस पूर्वी शेरगिल। काफी बड़ा घर है, अच्छा सेट होगी ना एक बड़े घर में। जी मामू। अच्छा पूर्वी, बहुत दिन हो गया ना हमने ऐसे गप्पे नहीं मारे, गॉसिप नहीं की। कैसे करते आप इतने गुस्से में जो थे, और मुझे नहीं लगा आपको गुस्सा ठंडा होगा। बच्ची है तुम्हें, तुझसे ज्यादा देर तक कोई गुस्सा रह सकता है? हाँ, और वैसे भी बेटा जो था वो गुस्सा नहीं, चिंता थी। गणपतराव भोसले से बदला लेने के चक्कर में तुझे कुछ हो ना जाए, तो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, इस बात की चिंता। लेकिन अब देखी ना क्या हालत हुई उसकी, देखा ना, उसे अपने किए की सजा मिल गई। अब तो खुश है ना तू? ऐसे पू, किसने सोचा था कि तू इस तरह शादी करेगी? सोचा तो मैंने भी नहीं था मामू, पर मॉम के साथ जो हुआ उसके बाद तो कोई रास्ता भी नहीं था। बट सच में मैंने आपको बहुत मिस किया। क्यों? श्रेष्ठा गीतिका, मैं जब भी उन दोनों को देखती हूँ ना, सिर्फ आपकी और मॉम की याद आती। आपकी बातें, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके लड़ाई झगड़े, बचपन से यही तो देखती आई हूँ। उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, शायद इसलिए उन दोनों को इतनी अच्छी तरह समझते। देखो तो मैं भी बहुत मिस करता हूँ, कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ ना, तो मन ही मन दी से बात करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि वो क्या जवाब देगी, मुझे किस तरह समझाएगी, और अपने आप को ठीक उसी तरह समझाता हूँ। And you know what? मेरी confusion सच में क्लियर हो जाती। पता है मामू, मैं भी ना मम्मा से चुप चुप के अकेले में बहुत बातें करती हूँ, और मुझे अपने सारे confusions का ना आंसर मिल जाता है, और आपको भी मिस करती हूँ। पर फिर सोचती हूँ कि अगर मॉम यहाँ होती तो श्रेष्ठ मेरी जिंदगी में नहीं होते ना। You know, शायद यही लिखा था नसीब में। और ये तो मैं मानता हूँ कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। Anyway, वो सब छोड़, ये बता बेबी का कुछ नाम सोचा है? तुम्हें अब मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कल जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। उस लड़की की वजह से मैं और तुम, ये उस लड़की वो लड़की बार बार कहना बंद कर दो गीतिका। बीवी है वो मेरी, और रिश्ते में तुम्हारी भी कुछ लगती है। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? अब क्या किया मैंने? तुम्हें पता है कि एमएम मुझे पसंद नहीं करती है, फिर भी तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया। मुझे तो करती है पसंद भी और प्यार भी, बचपन से। बचपन से मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है, और तुम जानते हो बात, तब भी तुमने उनको यहाँ बुलाया। हद हो गई है यार। पहले पूर्वी के मामा जी आ गए, अब हमारी मासी जी आ गई है। देखो गीतिका, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा मासी के साथ क्या इशू है, लेकिन उन जैसी जिंदा दिल और मस्त मौला इंसान मैंने तो बहुत कमी देखी अपनी जिंदगी में। और वैसे भी माँ के गुजरने के बाद एक वही तो है जो हमारे इतने करीब रही है। हमारे नहीं, तुम्हारे। मेरे लिए वो मालती मासी भी नहीं है। एमएमए और मुझ में उन्होंने हमेशा सिर्फ गलतियां निकाली हैं। तुम्हें सुधारने के लिए हमेशा। अगर तुम सुधर जाओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? बट डोंट वरी, अब मासी पूरे 9 महीने यही रहेगी जब तक कि हमारा बेबी अच्छे से इस घर में नहीं आ जाता। ओके? नो 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 भाई, ये नहीं हो रहा है। तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। बहुत सोच समझ के मासी को मैंने इस बार यहां बुलाया। मैं जानता हूं गीतिका कि तुम पूर्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम पूर्वी या उमा को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाओ जिसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर तक माफ ना कर पाऊं। वेल, इसलिए मैंने मासी को यहां बुला लिया। अब वो पूरे 9 महीने यहीं रहेंगी पूर्वी के साथ। भाई, तुम्हें अब मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कल जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यकीन नहीं होता भाई कि उस लड़की की वजह से मैं और तुम इतना दूर हो गए हैं। ये उस लड़की, वो लड़की बार बार कहना बंद कर दो गीतिका। बीवी है वो मेरी और रिश्ते में तुम्हारी भी कुछ लगती है। और एक बात याद रहे गीतिका, आज तक इस घर में तुम सिर्फ पूर्वी की वजह से हो, वरना। एनीवे, नाउ प्लीज लीव। पूर्वी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अरे नहीं। बैठ जाओ थोड़ी देर तुम्हारे पास। मैं ना तुमसे कब से मिलना चाह रही। लगता है श्रेष्ठ तुम्हें बहुत पसंद करता है ना? हाँ, पर पता नहीं मैं उस लायक हूं भी कि नहीं। ये $1 मिलियन क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढने के लिए तो मुझे यहाँ और रुकना पड़ेगा, है ना? अच्छा ये बताओ, तुम बाइक कौन सी चलाती हो? तो मतलब श्रेष्ठ ने आपको ये बात भी बता दी? पता है, मुझे भी कॉलेज में बाइक चलाने का बहुत शौक था, पर सब गड़बड़ हो, पता नहीं। अरे क्या हुआ ना, मैं बाबा की बाइक छुप छुप के चलाया करती थी। एक दिन उन्होंने देख ली। इतनी धुलाई हुई कि क्या बता। लेकिन उनकी पिटाई से भी मेरा बाइक प्रेम कम नहीं हुआ। मैं छुप छुप के चलाती रही, और एक दिन जब उन्होंने बाइक चलाते देखा तो इतने हैरान हुए कि पूछो मत। पता, जब श्रेष्ठ ने कहा ना कि उसकी बीवी बाइक चलाती है, मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया। I was so happy। अच्छा ये बताओ, कौन सी बाइक चलाती हो? बाइक, मेरी जो लास्ट बाइक थी ना, वो मैंने किसी से बोरो की थी, और वो 220cc की थी। हाय रब्बा, इतनी हैवी बाइक कैसे चला लेती हो तुम? पता है क्या मासी, मैंने जब बाइक चलाना सीखा था ना, तो मैंने भी ऐसे ही सीखा था, चुप चुप के। मेरी मॉम का रिएक्शन देखना लायक था जब उनको पता चला मैं बाइक चलाती हूँ। हे भगवान, मुझे लगा कि मैं आज तो घर से। मेरी माँ का भी यही हाल था, पर मैं भी कम थोड़ी हूँ। चुपके चुपके कॉलेज में बाइक चला लिया करती थी। और पता है, मैंने तो लंदन में भी बाइक खरीद ली थी, पर बेचारी दब गई। दब गई? कम ऑन, मेरे वजन से और कैसे। अच्छा पूर्वी, आओ मैं तुम्हें अपने एंटीक्स दिखाऊं। लंदन से लाई। लंदन से? हाँ। पर मुझे मासी काम था, मुझे ऑफिस। काम माम को मारो गोली, गीतिका कर ली। हाँ पर ऑफिस तो जाना होगा ना। अरे वो ऑफिस गई है, हेल्प करने जाओगी तुम उसे? अरे वो ऑफिस सिर्फ इसलिए गई हो कि ये दिखाने के लिए कि वो भी बॉस है। काम वाम कुछ नहीं होता उससे। हाँ पर मुझे लगता है ना मेरी तुम्हारी बहुत पटेगी। क्यों? हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स जो इतनी मिलती हैं। देखो तुम्हें भी बाइक चलाने का शौक है, मुझे भी बाइक चलाने का शौक है। तुम भी गीतिका से नफरत करती हो, मैं भी। नहीं मासी, ऐसा मैं गीतिका से ऐसा कुछ नहीं है। ओह यू आर राइट, नफरत वर्ड कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना। हमें होने वाले बेबी के सामने ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी, नहीं तो वो भी क्राई बेबी होगा उस गीतिका की तरह। हम लोग तो हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी की बातें करेंगे जिससे हैप्पी बेबी हो, है ना? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपने एंटीक्स। बी केयरफुल। हाँ जिंदगी में सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है। एंड लुक एट मी, कितनी देर लग गई मुझे, और अब जब मिला है तो उसे कैसे जाने दो। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मासी के आने से आप बहुत खुश हो ना? हो यार, पूर्वी फिर से बचपन वाली फीलिंग आ रही है। वन अपॉन गीति। वैसे अब मासी तो यहीं रहने वाली है, तुम देखना बहुत मजा आएगा। और इस बार मासी यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि आपको मेरी चिंता हो रही है। पूर्वी माँ के बाद ना मासी ने हमें संभाला है। परिवार में सिर्फ एक मासी है जिनके बहुत करीब हूं मैं, और मैं भी उनका लाडला बचपन से। जितना वो बाहर से नॉटी और मस्त मौला दिखती है ना, ट्रस्ट में जिंदगी उतनी ही गहराई से समझती है। पता है मुझे ना बचपन से जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मैं सीधे मासी के पास चले जाता था, और पता नहीं कैसे बट उनके पास हमेशा मेरी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। और इस बार गीतिका और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपने बुलाया है ना? श्रेष्ठ, ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आपने मासी को इस उम्र में क्यों प्रॉब्लम दी? पता है गीतिका की प्रॉब्लम क्या है? कि उसने जो भी किया है, जो भी कहा है, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुम गीतिका को नहीं जानती पूर्वी। इस वक्त उसके मन में जो तुम्हारे लिए गुस्सा और नफरत है ना, वो कुछ भी कर सकती है। आई डोंट ट्रस्ट हर, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। एनीवे जिंदगी में सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है। एंड लुक एट मी, कितनी देर लग गई मुझे, और अब जब मिला है तो उसे कैसे जाने दूं। मुझे पता है कि मैं आपका पहला प्यार तो नहीं हूं, पर आखिरी प्यार तो हो सकते हो। हम एक दूसरे से सिर्फ एक प्रॉमिस कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे।